गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोवी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई अनबॉक्सिंग। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये अनबॉक्सिंग आप देखिए कि किस चीज़ की हो सकती है। वैसे ज़्यादा सस्पेंस नहीं करेंगे, आपको जल्दी दिखा देंगे। तो गाइज आइए दिखाते हैं आपको ये अमेजिंग प्रोडक्ट। टन टन। तो गाइज ये है IQ का स्मार्टफोन। इसकी लुकिंग, इसका बॉक्स ही पहली बात तो आपको बहुत अमेजिंग लग रहा होगा और फ़ोन इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखते हैं। तो गाइज इसका ये ओपनर है, ये यहीं से ओपन होता है। तो गाइज ये पन्नी बहुत तगड़ी थी, फटी भी नहीं। तो गाइज ये है IQ Z6 5G फोन, 6128। सो गाइज जैसे कि आपको पता है IQ के सारे फोन गेमिंग के लिए बेसिस हैं। तो गाइज ये इंतज़ार आपका मैं ख़त्म करता हूँ और ये रहा आपके सामने। तो आइए इसके साथ पहले देखते हैं क्या क्या है। तो गाइज इसमें कवर साथ में है और ये पुस्तिका, जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे काम की ये चीज़ें नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंट कवर है, नॉर्मल फ्लेक्सिबल है। तो और देखते हैं कि इसमें क्या है। गाइज ये फ़ोन उठा के अपन साइड में रखते हैं, पहले केस देख लेते हैं। तो एक और QR इसमें और खाली बड़ा सारा येलो कलर का बॉक्स और टाइप सी है इसमें। आई थिंक नहीं, ये नॉर्मल डाटा केबल है टाइप सी। इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है, टाइप सी केबल है। तो गाइज ये केबल है और इसके साथ ये सिम इंजेक्टर है। और गाइज इसमें बस पुस्तिका, बस गाइज इसमें एडेप्टर की स्पेस है बट इसमें एडेप्टर नहीं दिया है। तो गाइज ये इसमें एडेप्टर नहीं आया है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, थैंक्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द प्लैनेट रेजिंग कार्बन इमिशन। तो कोई बात नहीं, अपन अलग से बाय नाउ कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सब सामानों को हटा के देखते हैं फ़ोन के फीचर्स। तो गाइस वहाँ से निकला नहीं था तो मैं इसे हटा रहा हूँ। तो गाइस इसकी लुकिंग जैसे आपको बहुत मोहित कर रही होगी। तो गाइस इसको ऑन कर लेते हैं। IQ 5G। तो गाइस इसे सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें। गाइस इसमें 5G कनेक्ट होगा, पिछले वाले फ़ोन में 4G था। तो गाइस फोन स्टार्ट हो गया है। तो गाइज ये है इसका फर्स्ट लुक। स्क्रीन इसकी काफ़ी बेटर है बिकॉज इसमें एजेस बहुत कम दिए हैं। नॉर्मल फोन्स में इस प्राइस पॉइंट पे इतनी एजेस और इतनी फिनिशिंग नहीं आती। इसकी ब्राइटनेस एंड इसकी लो ब्राइटनेस। गाइज आइए देखते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन। तो गाइस इसमें एंड्रॉयड वर्जन 12 था बट अपडेट के साथ इसमें एंड्रॉयड 13 वर्जन आ चुका है और मैं इसे अपडेट करने वाला हूं और देखने वाले हैं इसमें क्या क्या बेटर फीचर्स आते हैं। तो गाइस इसमें 12+12 रैम है, 128 और इसका प्रोसेसर जैसे आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 और ऑक्टाकोर। गाइस ये फ़ोन बहुत स्मूथ चल रहा है और 120
हर्ट्स का रिफ्रेश रेट। तो गाइज आपको फ़ोन कैसा लगा? अगर फ़ोन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं लगा तो भी करें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे ऐसी अमेजिंग वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज, मिलते हैं नई वीडियो में।